लेकर आया हूँ अपने BFM मॉड्यूल सी के अपने लास्ट यूनिट को। तो दोस्तों, ये जो यूनिट है हमारा वो बेस्ड है ट्रेजरी एंड ALM के बीच में, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में कि ट्रेजरी और ALM में क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ALM के बारे में समझेंगे कि आखिर ALM होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ALM होता है हमारा एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। इसे कैसे समझते हैं हम लोग, ये बेसिकली एसेट और लाइबिलिटी का मैनेजमेंट है। ठीक है, किस तरह, इन सच वे, इन सच अ मैनर दैट नेट अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट इज मैक्सिमाइज एंड लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क आर मिनिमाइज। तो देखिए दोस्तों, हमारा किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट। तो हम लोग एसेट एंड लाइबिलिटी को क्यों मैनेज करना चाह रहे हैं, ताकि जो ब्याज से जो इंटरेस्ट अर्निंग हो हमारा वो क्या हो, मैक्सिमम हो, और जो रिस्क हो जैसे लिक्विडिटी रिस्क हुआ या इंटरेस्ट रेट रिस्क हुआ वो क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहे हैं और अपने लॉस को घटाना चाह रहे हैं, यही तो बात है। तो यही मैनेजमेंट को हम लोग एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ये हमारा एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ALM को और अच्छे से समझते हैं। ALM होता क्या है, ALM एक एक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, एक्वायर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, किसके फ्लो को, फंड के फ्लो को। सो इट इज़ अ एक्ट ऑफ प्लानिंग एक्वायरिंग एंड डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेबल अर्निंग को जनरेट करना, टू जनरेट एडिक्वेट एंड स्टेबल अर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये था ALM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक हम लोगों ने ALM के बारे में ये समझा कि एक तरह का एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, एक्वायर करते हैं और डायरेक्ट करते हैं अपने फंड के फ्लो को। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि ALM के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव है ALM के, पहला है कि प्रॉफिट को इंश्योर करना, दूसरा है कि लिक्विडिटी को इंश्योर करना। तो प्रॉफिट इंश्योर इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकेंड इज इंश्योरिंग लिक्विडिटी। अब देखिए, मान लिया जाए कि हमारा एसेट और लाइबिलिटी के बीच में कोई मिसमैच आ गया। क्या हो गया दोस्तों, मिसमैच। इफ देर इज मिसमैच बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी, तो इसके कारण क्या होगा कि जो भी हमारा ऑब्लिगेशन है, जो भी हमारा कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन जो भी हमारा है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो भी है, उसमें उसको फुलफिल करने में हमें फेलियर आएगी। ठीक है, उसे फुलफिल करने में हमें दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए एसेट और लाइबिलिटी के बीच में मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए ALM होता क्या है। तो ALM बेसिकली शॉर्ट टर्म में मैं समझाऊँ तो ALM क्या है, एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट है। क्यों करते हैं एसेट लाइबिलिटी का मैनेजमेंट, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े और हमारा रिस्क घटे। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यदि मिसमैच होगा तो उसके कारण जो हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा ALM का यूजफुलनेस। अब हम लोग ये समझते हैं दोस्तों कि किस तरह हम लोग ALM को मेजर करेंगे, स्टेप्स ऑफ मेजरिंग ALM। तो देखिए दोस्तों, ALM को मेजर करने का बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट स्टेप है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेजर द ALM। द फर्स्ट वन इज NII। NII क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। सेकेंड वन इज NIM। NIM क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, यानी कि EQ, EER, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। तो ये तीन तरीका है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को, अभी फिलहाल हम लोग एकदम जिस्ट ले रहे हैं। तो तीन तरीका है दोस्तों ALM को मेजर करने का, NII, NIM और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने NII से, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम से। तो होता क्या है, ये होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू दैट इज जनरेटेड फ्रॉम अ बैंक एसेट एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद पेइंग लाइबिलिटीज। तो देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका किसी, देखिए हम लोग बैंक के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक बैंक हैं, तो आपका कुछ एसेट होगा, तो एसेट से क्या कीजिएगा, आप रिवेन्यू जनरेट कीजिएगा, और आपके पास कुछ लाइबिलिटीज होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बैंक समझिए खुद को, तो आपके पास एसेट जो होगा उसे आप लोग रिवेन्यू जनरेट करेंगे, और आपके पास जो लाइबिलिटी आप लोग जो पे करेंगे उसे उसका क्या होगा, खर्चा होगा। तो उसके बीच का जो अंतर है, जो आपने रिवेन्यू जनरेट किया अपने एसेट से और जो आपने खर्च किया अपने लाइबिलिटी के लिए, ये जो एक्सपेंसेस हैं और ये जो रेवेन्यू है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो रेवेन्यू है और ये जो एक्सपेंसेस हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं फिर से समझाऊँ। आप एक बैंक हैं, आपका कुछ एसेट है, आपका कुछ लाइबिलिटीज़ है। एसेट पे आपने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। लाइबिलिटीज़ पे आपने क्या किया, एक्सपेंस किया, खर्च किया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम लोग NII कहते हैं।
तो आप देखिए, अब यदि मान लीजिए उस बैंक को अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को स्टेबलाइज करना है, अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को स्टेबल रखना है दोस्तों, ठीक है, तो क्या करना होगा उसे बैंक उस बैंक को उस बैंक को अपने जो NII में जो फ्लक्चुएशन है उसे मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे जो भी हो रही है, उसमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। यही तो एक तरीका है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को स्टेबलाइज करने का। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नेट इंटरेस्ट इनकम का एक फॉर्मूला लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि जो भी इंटरेस्ट से हमारा इनकम हुआ और जो भी इंटरेस्ट के लिए हमारा एक्सपेंसेस है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये क्या रिवील करता है हमें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को रिवील करता है, ये हमें बताता है कि हमारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कितना है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा NII से रिलेटेड, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ कवर कर दिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ALM को मेजर करने का जो तरीका है उस पर आते हैं, जो कि है हमारा, जो कि क्या है दोस्तों हमारा, जो कि है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM। अब देखिए NIM क्या होता है, NIM को कहते हैं इट इज़ व्यूड एज द स्प्रेड ऑन अर्निंग एसेट। मतलब आपने जो एसेट अर्न किया उस पर कितना स्प्रेड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट इंटरेस्ट इनकम को नोमिनेटर में पुट करना है और एवरेज टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में पुट करना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो NIM का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। मैं फिर से समझाऊँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला है नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। तो इस प्रकार हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाल सकेंगे। चलिए, तो बस इसके लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार बस थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं इसे। ये क्या होता है, शेयर होल्डर का जो फंड है वो क्या होगा दोस्तों, कैपिटल होगा। शेयर होल्डर का जो फंड होगा उसी को तो कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को आप लोग टोटल एसेट से डिवाइड कर दीजिए, वही होता है हमारा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। बस ये तीन फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये तीन टूल्स हैं। क्या क्या टूल्स था, पहला NII, NIM और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ALM को मेजर करेंगे, यानी कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को हम लोग मेजर करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा थ्योरी। अब हम लोग आते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो आइए दोस्तों, इसको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो भी अभी तक समझाया है वो बैंक के पर्सपेक्टिव में समझाया है, एक पर्सनल लेवल पे पर्सपेक्टिव पे नहीं समझाया है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बैंक के बारे में क्या कहा गया है, किसी बैंक का ये रिप्राइजिंग एसेट है और लाइबिलिटीज है। तो देखिए, कॉल मनी दिया हुआ है 500 करोड़, कैश क्रेडिट लोन है 400 करोड़, कैश ऑन हैंड है 100 करोड़, सेविंग बैंक डिपोजिट है 500 करोड़, फिक्स डिपोजिट है 500 करोड़, करंट डिपोजिट है 200 करोड़। तो दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 0.5% इन कॉल रेट्स, 1% फॉर कैश क्रेडिट, 0.1% फॉर सेविंग बैंक, 0.8% फॉर FD। अब हुआ क्या कि ब्याज दर घट गया, सभी में घट गया, कॉल रेट में घट गया, कैश क्रेडिट में घट गया, सेविंग बैंक डिपॉजिट में घट गया और FD में भी घट गया। कितना कितना घटा वो यहाँ दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, अब हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो बाद में, सबसे पहले आप ये बताइए कि हमें जो ये जो डाटा दी गई है, इनमें से लाइबिलिटी कौन सा है, इसमें एसेट कौन सा है। पहला काम आपको ये करना है दोस्तों, मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको इन डाटा में से ये पता लगाना है कि कौन सा हमारा एसेट है और कौन सा हमारा लाइबिलिटी है। तो दोस्तों बताइए जरा, ये जो हमारा सेविंग बैंक है और ये जो फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि हम बैंक हैं ना दोस्तों, तो हमारे लिए सेविंग बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट तो एक तरह का लाइबिलिटी ही तो होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेविंग बैंक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। अब एसेट क्या है दोस्तों, तो एसेट जो है हमारे लिए वो है कॉल मनी और क्या है दोस्तों, कैश क्रेडिट लोन, CC लोन जिसे कहते हैं हम लोग, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये जो कैश ऑन हैंड है या जो ये करंट डिपॉजिट है, इसे हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, इसे हम लोग किस में लेंगे ना, क्या लाइबिलिटी में लेंगे या एसेट में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैश ऑन हैंड और करंट डिपॉजिट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट कंसिडर कैश ऑन हैंड एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्यों क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, ये प्रश्न उठता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप ये बताइए कि क्या उस पर कोई ब्याज मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। करंट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसमें कोई ब्याज मिलता है, नहीं ब्याज मिलता है। तो हमें जो इस क्वेश्चन को डील करना है, ब्याज में ही तो डील करना है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, NII होता क्या है, NII हमारा इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे।
जिस पे जिस डिपॉजिट पे ब्याज लगेगा उसी को तो हम लोन लेंगे, तो करंट डिपॉजिट को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं लगता है। साथ ही साथ उसी तरह आप ये भी देखिए कि जो कैश और कैश इन हैंड है उसमें भी कोई ब्याज नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैश ऑन हैंड और करंट डिपॉजिट को ऑमिट कर रहे हैं। अब समझ में आया क्यों हमने कैश ऑन हैंड और करंट डिपॉजिट को नहीं लिया? इसका बेसिक सा लॉजिक ये है कि इस पे कोई ब्याज नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आपको भी यही करना है कि आपके पास जो डाटा दी गई होंगे उनमें से आपको देखना है कि किस किस चीज़ों पे ब्याज नहीं लगता है, और जिन पे नहीं लगता है उसे आपको नहीं कंसिडर करना है। उम्मीद है मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो हमने लायबिलिटी और एसेट को यहाँ पे अलग अलग कर लिया। अब क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, व्हाट इज एडजस्टेड गैप इन रिप्राइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी। तो गैप पूछ रहा है दोस्तों, तो गैप क्या होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट को जोड़ दीजिए, एसेट में क्या क्या है हमारा, कॉल मनी और कैश क्रेडिट, और लायबिलिटी में क्या है, सेविंग बैंक और एफडी। तो 500 प्लस 400, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 500 प्लस 400 माइनस 500 प्लस 500 यानी कि -100। तो ये हमारा क्या है, एडजस्टेड गैप है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अब देखिए इंटरेस्ट रेट का चेंज लेना है हमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रीप्राइजिंग एसेट। किसके बारे में पूछा गया है, रीप्राइजिंग एसेट के बारे में, एज पर स्टैंडर्ड गैप मेथड इन रीप्राइजिंग एसेट एंड लाइबिलिटी। तो दोस्तों हमें रीप्राइजिंग एसेट के बारे में पूछा गया है। तो एसेट क्या क्या है हमारा, कॉल मनी है और कैश क्रेडिट है। कॉल मनी में ये बताइए कि कॉल मनी कितना था हमारा, 500 करोड़ था, तो 500 करोड़ में कितना का चेंज आया, 0.5% का। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉल मनी में जो है हमारा 0.5% का चेंज आया, और कैश क्रेडिट में कितना का चेंज आया, 1% का। तो 500 का 0.5% कितना होगा दोस्तों, हाँ 250 करोड़। और 400 का 1% कितना होगा, ठीक है कितना का चेंज आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 400 का 1%, तो 400 करोड़। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये निकालना है अमाउंट ऑफ रीप्राइसिंग एसेट। तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, 250 करोड़ और कितना, 400 करोड़। तो ये हमारा आ जाएगा 650 करोड़। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ रीप्राइसिंग एसेट। उसी तरह पूछा गया है रीप्राइजिंग लायबिलिटी बताओ। तो रीप्राइजिंग लायबिलिटी के लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी हमारा सेविंग बैंक और एफडी है, उस पर जितना परसेंट कहा गया है उसका हम लोग उतना परसेंट लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं 0.1% 50 करोड़, 0.8% 400 करोड़, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 450 करोड़। तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ रिप्राइजिंग लाइबिलिटी। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि स्टैंडर्ड गैप बताना है, ठीक है। स्टैंडर्ड गैप किसके में बताना है, रिप्राइजिंग एसेट एंड लाइबिलिटी के बीच में। तो रिप्राइजिंग एसेट हमने कितना था, 650 करोड़, रिप्राइजिंग लाइबिलिटी कितना है, 450 करोड़। देखिए रिप्राइजिंग क्यों कहा गया है कि एसेट का पहले वैल्यू कितना था दोस्तों, एसेट का जो पहले वैल्यू था वो था हमारा 900 करोड़, लेकिन हमने इसे रिप्राइज किया, ठीक है। तो ये देखिए देखिए बहुत लोगों को यहाँ समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये 0.5% है क्या, तो ये रिडक्शन है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है हमारा, ठीक है, आधा 0.5% मतलब कि हाफ घट गया, ठीक है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे देखिए 500 की जगह 250 हो गया और 400 की जगह 400 ही रहा, ठीक है। तो यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो रिप्राइजिंग एसेट है 650 करोड़, रिप्राइजिंग लाइबिलिटीज है 450 करोड़। तो अब बताइए कि नेट एडजस्टेड गैप कितना हो गया, तो 650 करोड़ माइनस 450 करोड़ यानी कि 200 करोड़। तो यहाँ पे एसेट जो है वो लाइबिलिटी से हमारा ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जो कि बेसिकली पार्ट वन था हमारा एएलएम का मॉड्यूल का, एएलएम यानी कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का। अब मैं इसीलिए आप लोगों को कुछ बकेट सिस्टम भी समझाऊंगा अपने पार्ट टू में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसे। धन्यवाद।